एक का पांच का भी समझ गया। तो आर बराबर रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है एक्स वाई, इसमें अगर पेयर रहेगा समझ गया ना, एक्स वाई मतलब दो गो एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर लेंगे, तो वे किस प्रकार के ऑर्डर पेयर रहेंगे यानी उसी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, दो दो व्यक्ति का समझ गया ना पेयर बनाएंगे जो एक ही मोहल्ला में रहता है समझ गया ना। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो, यहाँ पर आप लोग विद्यार्थी हो ना, तो हम जो है कि दो दो का पेयर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो वो कैसा पेयर बना रहे हैं जो एक ही मोहल्ला में रहता है समझ गया ना, जो एक ही मोहल्ला में, जैसे मान के चलो कि तीन लड़का जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तीन ही तीन लड़का क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब हम दो दो को एक साथ हम रख सकते हैं, दो दो को हम एक साथ रख सकते हैं, इनको इनको रख सकते हैं या नहीं तो उनको उनको रख सकते हैं, नहीं तो उनको उनको रख सकते हैं, ये ऐसा है रिलेशन समझ गया ना। यानी एक ही मोहल्ला में रहेगा उसी को हम साथ में रखेंगे, उसी को हम क्या करेंगे साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई, तो इसका अर्थ हो गया एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, कितने एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे ना, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेंगे, तो हम क्या कहते हैं एक्स तथा वाई एक्स वाई नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही लेते हैं या ना, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, यानी एक्स लिया है ना तो फिर बोलेगा एक्स से, फिर क्या बोलेगा एक्स तथा एक्स, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे, मोहल्ला बदलेगा मतलब किसी व्यक्ति का नाम दो बार ले लिया जाए, किसी व्यक्ति का दो बार नाम ले लिया जाए तो उसका मोहल्ला बदलेगा। देखो सिंपल, देखो रिफ्लेक्सिव हम बोल रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है स्वतुल्य, क्या होता है स्वतुल्य, मतलब ए अगर ए से संबंधित है, ए जैसे ए एलिमेंट लेगा ना, क्या लेगा ए एलिमेंट, ए किससे संबंधित होगा ए से, समझ गया ना, अगर ए एलिमेंट लेगा तो ए किससे संबंधित होगा ए से संबंधित होगा, उसी प्रकार से अगर आप एक्स लोगे तो एक्स किससे संबंधित होगा, एक्सेस होगा, इसी को हम रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल मतलब स्वयं से समझ गया ना, मतलब दो एलिमेंट लेगा ना, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है ना, क्या है एक्स वाई, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या लेना होगा एक्सेस, क्या लेना होगा एक्सेस समझ गया ना, दो गो एलिमेंट वाई अलग टाइप का है तो क्या लेना होगा वाई वाई, रिफ्लेक्सिव के लिए यही लेगा, तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स रिलेटेड एक्स, एक्स एक्स का क्या अर्थ हो गया एक्स एक्स से संबंधित है, एक्स एक्स से संबंधित है, तो यहाँ पर देखो संबंध क्या है, संबंध एक मोहल्ले में एक ही मोहल्ले में रहते हैं, संबंध यही ना जी, जैसे हम कहेंगे इस लड़का का संबंध क्या है, देखो संबंध कैसे होता है, जैसे हम एक मोहल्ले में रहते हैं तो संबंधित नहीं होगी मतलब भाई है तो क्या भाई भाई का संबंध नहीं हो गया, बहन है तो ये भी ना संबंध हुआ, एक ही घर में रहते तो ये भी ना संबंध हो गया, तो यहाँ पर देखो संबंध को देखना है, संबंध क्या है एक मोहल्ला, संबंध क्या है मोहल्ला समान मोहल्ला, तो देखो इसमें क्या एक्स रे वाई रे जेड रे कुछ भी रे, इसमें एक ही एलिमेंट लेना है, इसमें क्या लेना है समझ गया ना, मतलब स्वयं से तुलना कर देगा, स्वयं से तुलना, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या स्वतुल स्वयं से तुलना, तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स लिया हम क्या ले रहे हैं, तो एक्स लेने का अर्थ क्या हो गया एक्स एक्स, एक्स लेने का क्या अर्थ हो गया एक्स एक्स, तो क्या एक्स एक्स एक ही मोहल्ला में होगा, क्यों नहीं होगा, एक व्यक्ति का एक ही व्यक्ति का नाम दो बार ले रहे हैं क्या मोहल्ला बदल जाएगा, तो बोलो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, इसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसी को ना लिखेगा कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो रिलेशन क्या है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पर वाई के भी स्थान पर क्या रख देगा एक्स से रख देगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रख देगा एक्स, तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं,
मोहल्ले में रहते हैं। तो ये आपको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जी सर। कौन? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जी सर। यहाँ पर लिख देना है आर सो संबंध आर क्या है, सोतुल संबंध है। उसके बाद देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सममित संबंध। क्या बोलते हैं? सममित संबंध। समझ गया ना, जैसे ये भी है ये भी है, तो उल्टा के भी हम देखते हैं। ये भी का मतलब क्या, बी है होगा होगा। आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक्स रिलेटेड वाई। सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं? दो एलिमेंट। वो दो एलिमेंट क्या हो गया, एक्स और वाई। वो दो एलिमेंट क्या हो गया, एक्स और वाई। तो इसका अर्थ क्या हो गया, देखो एक्स वाई से संबंधित हो तो क्यों संबंधित है, एक ही मॉल एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ हो गया कि एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। समझ गया ना, आप लोग लिख लेना। उसके बाद देखो अब ये हम क्या करेंगे, अब उल्टा के भी ना देखेगा। अभी x का नाम लिए हैं, बाद में y का नाम लिए हैं, तो इसमें क्या करता है, अब y का नाम पहले लेगा, x का नाम बाद में लेगा, तो हो जाएगा। तो देखो y को हम कहाँ रखेंगे, x के स्थान पर ये क्या है, तथा है ना। अब y के स्थान पर क्या रखेंगे, तो बोलो ये जो मोहल्ला वाला संबंध है बदलेगा अभी, नहीं बदलेगा। मोहल्ला बदल जाएगा नहीं, उल्टा पुल्टा के भी नाम लेंगे तो नहीं। तो यही ना है जी मैट्रिक, जैसे ए बी, समझ गया ना, ए बी है तो आपको क्या होना चाहिए, बी ए सी, बी ए माना। ए बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब बी ए का मतलब क्या हो गया, बी ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर उल्टाने पर संबंध बदल जाता तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक। उल्टाने पर बदला रिलेशन, तो ये होगा x तथा y, देखो y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, संबंध नहीं बदला। नो सर, आर समित ये नहीं लगेगा सर, दूसरा मोहल्ला नहीं ना है, नहीं नहीं नोट पे रहेगा सिमेट्रिक। देखो एकदम समझा कि नहीं समझा जी सर, समझा ना जी सर, हैं कि नहीं समझा, समझा समझा, दिमाग रखेगा और समझ लेगा। यहाँ पर ध्यान रखो एकदम कंसल्ट करके एकदम समझेगा, समझ गया। आर इज क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या होगा, अब देखो हम ट्रांजिटिव रिलेशन में आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक्स वाई से संबंधित हो, वाई जेड से संबंधित हो, तो इसका अर्थ हो गया कि वाई संबंधित किससे होगा, मतलब एक ही मोहल्ला में रहता है, तो इसलिए वाई जेड से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और उसके बाद हो गया वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बोलो एक्स जेड एक मोहल्ला में रहेगा जी। क्यों रहेगा, क्या सर, एक्स जेड एक ही मोहल्ला में रहेगा ना जी सर, मतलब तीनों एक मोहल्ला में रहता है। किसी दो का नाम लेके बोलेंगे तो मोहल्ला नहीं बदलेगा, अगर मोहल्ला बदल जाता तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। एक्स जेड से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आर कौन रिलेशन होगा, आर हो गया आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। उतारिए एक के पांच का सी, इसमें देखो क्या कह रहा है, आर बराबर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई ऐसे दो लड़के को रखना है, ऐसे दो लड़के को रखना है, तो x जो होगा, देखो इस सवाल में क्या है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, मतलब दो को लड़का को साथ में रख रहे हैं, दो को लड़का को साथ में रख रहे हैं, तो पहला स्थान पर उस लड़का को रख रहे हैं
जो दूसरे स्थान पर रखे गए लड़का से 7 सेंटीमीटर लंबा ऐसे लड़का का कॉम्बिनेशन बनाना है, समझ गया ना? ऐसे लड़का का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब जो 7 सेंटीमीटर लंबा पहले दूसरे लड़का से रहेगा ऐसे दो का बनाना है। जैसे मान के चलो कि इसको पहले स्थान पर रखेंगे, इसको दूसरे स्थान पर रखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, तो हिसाब जो है यही कर रहा है। एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे, एक रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट, एक लेंगे ना जी, तो बोलो एक एलिमेंट लेंगे, तो एक जो है जैसे हम वो एलिमेंट एक्स ले लिए, एक एलिमेंट में हम क्या ले लिए एक्स ले लिए, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। जैसे रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट लिए, क्या लिए एक्स लिए, क्या लिए, तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स एक्स, जैसे वन लेते हैं तो क्या होता है वन, तो एक्स लिए तो क्या होगा एक्स एक्स। तो देखो जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है वाई, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे एक्स रखेंगे ना, एक्स एक्स का क्या अर्थ होगा एक्स एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कह रहा है। देखो जैसे एक्स और वाई है ना जी, वाई से क्या करे एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, अगर एक्स रख देंगे यहाँ पर तो क्या होगा एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, तो कोई व्यक्ति मतलब स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं से तुलना, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं से तुलना, तो ये यहाँ पर संबंध क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा, संबंध क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा, तो रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं से तुलना, तुम स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा, आप स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। कौन नहीं समझा इसको, इसको कौन नहीं समझा, खड़ा करो हाँ, कारण लिखेगा तो लिखेगा कि कोई भी व्यक्ति समझ गया ना स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं, कोई भी व्यक्ति 7 सेंटीमीटर स्वयं से लंबा नहीं, इतना लिख के लिख दो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, नहीं है, समझ गया। इसको हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, तो x डज नॉट इक्वल टू x प्लस 7, समझ गया ना, x जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा, तो इसलिए x x से क्या हुआ संबंधित नहीं हुआ, कोई व्यक्ति स्वयं से संबंधित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हो गया। उसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम कितने एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट, सिमेट्रिक रिलेशन में दो एलिमेंट, दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई लेंगे, एक्स और वाई ले लिए, एक्स और वाई का मतलब क्या, जब एक्स और वाई साथ में है तो इसका अर्थ क्या होगा रिलेशन के अनुसार, दो दो एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है इसलिए हम साथ में लिए हैं, इसका अर्थ क्या होगा एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर इसलिए हम साथ में लिए हैं, अगर नहीं होता तो लेते, क्योंकि रिलेशन कह रहा है, इसको लिख देना है एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर। देखो एक्स बराबर क्या लिखेगा वाई प्लस 7, एक्स बराबर क्या लिखेगा वाई प्लस 7। देखो मैथमेटिक्स का भाषा रूप यही हुआ है कि एक्स जो है वाई से क्या सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसके साथ जोड़ना पड़ गया बराबर करने के लिए वाई में कितना जोड़ना पड़ गया, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ है कि वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, समझ गया ना, कौन लंबा होगा एक्स लंबा होगा कि वाई होगा,
वाई होगा एक्स होगा एक्स होगा एक्स होगा वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है नेक्स्ट जी हां एक्स लंबा होगा एक्स लंबा होगा समझ गया ना समझ गए नहीं कैसा है मतलब आप देखो तो ये इस अनुसार एक्स होगा प्लस 7 है ना इधर ले आओ एक्स माइनस क्या होगा 7 7 होगा ना बराबर क्या हो गया वाई वाई हो गया ना तो बोलो रिलेशन के अनुसार y बराबर क्या होना चाहिए x प्लस 7 होना चाहिए लेकिन x माइनस क्या हो गया 7 नहीं समझ रहा है तुम लोग देखो यहाँ पर x y है ना x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है सिंपल अर्थ में समझो लंबा है से 7 सेंटीमीटर लंबा है लंबा है क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा लंबा नहीं है इसलिए वाई एक्स से संबंधित होगा नहीं होगा वाई एक्स से संबंधित होगा नहीं होगा यहाँ पर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है नहीं है किसको समझने में दिक्कत हुई है सिंपल बात है ना एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर क्या होगा लंबा नहीं होगा छोटा होगा क्या होगा छोटा होगा छोटा न होगा तो मान के चलो कि यहाँ पर संबंध बदल न गया लंबा से किस संबंध पर आ गया छोटा तो संबंध का नहीं विरोध हो गया लंबा है तो लंबे न होना चाहिए उल्टा दो कि पुलटा दो जी सर इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा तीसरा क्या होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें कितने एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेगा एक्स वाई से संबंधित वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है कितना सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर और देखो अब वाई रिलेटेड जेड का अर्थ क्या होगा वाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर लंबा समझ गया ना इसीलिए बोलो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा 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 एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा होगा सिंपल रूप से एक्स जो है ना वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है देखो तीन लड़का का हम उदाहरण लेते हैं एक्स वाई और जेड समझ गया ना तो वाई जो है एक्स से क्या यहाँ पर एक्स जो है वाई से क्या सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर है ना जी और वाई जेड से क्या सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर एक्स जेड से क्या सेंटीमीटर लंबा होगा 14 जी कुछ और सर जी ट्रांजिटिव नहीं होगा 14 सेंटीमीटर लंबा होगा जी सर नहीं हो गया क्योंकि मान के चलो कि x जो है वाई से क्या सेंटीमीटर लंबा है 7 है ना 7 है इसका मतलब ये हो गया कि हम x का हम मान ले लेते हैं कितना 7 तो y क्या सेंटीमीटर छोट है 7 सेंटीमीटर इसका कितना लंबाई होगा बोलो तो 14 सेंटीमीटर हो गया ना आप देखो y जो है z से क्या सेंटीमीटर लंबा है 7 सेंटीमीटर ना तो z का लंबाई क्या होगा z की लंबाई क्या होगा 7 देखो तुम लोग का माइंड क्लियर होगा ये 7 ना होगा कितना होगा 7 देखो तो अब x z से कितना सेंटीमीटर लंबा हुआ नहीं हो गया तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा होगा लेकिन संबंध के अनुसार कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए 7 सेंटीमीटर क्या ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा यहाँ पर लिखेगा एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि तो r बराबर क्या है x y
such that x is wife of y. x जो है y की क्या है पत्नी है x y की क्या है पत्नी है ये इस प्रकार से संबंध डिफाइंड है मतलब दो को पेयर लेगा समझ गया मान के लो कि एक पेयर में दो एलिमेंट होता है समझ गया ना तो x y पेयर के रूप में लेगा रिलेशन के अंदर में x y पेयर के रूप में लेगा तो वो किस प्रकार से पेयर के रूप में लेगा तो पहले स्थान पर जो रहेगा वह क्या होगा दूसरे स्थान पर जो रहेगा उसकी पत्नी होगा जैसे एक्स वाई है ना जी पहले स्थान पर क्या है एक्स है ना प्रथम निर्देशांक एक्स और द्वितीय निर्देशांक क्या है वाई तो प्रथम निर्देशांक जो होता है द्वितीय निर्देशांक की क्या होता है पत्नी पत्नी मतलब एक्स वाई मतलब दो एलिमेंट को लेगा ना तो अनेक अर्थ हो गया जैसे वन टू लेते हैं क्या लेते हैं वन टू तो वन टू की क्या होगी पत्नी अगर हम दो तीन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो दो तीन की क्या होगी पत्नी होगी अगर आठ दस का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आठ दस का क्या होगा पत्नी ऐसा ना कॉम्बिनेशन बनता है जी। तो ये तो हम आपको उदाहरण के रूप में समझाए लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं जैसे वन लेते हैं तो क्या करोगे वन स्वतुल स्वय से न तुलना करते हैं तो वन किसकी पत्नी होगी वन क्या ऐसा संभव होगा कोई भी स्वयं का पत्नी होगा बोलो तो उसी प्रकार से रिलेशन है कारण की एक्स वाई अगर पेयर के रूप में लिया जाए समझ गया ना ऑर्डर्ड पेयर के रूप में तो एक्स वाई की क्या होगी पत्नी होगी तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं एक लेते हैं ना एक्स बोलो एक्स एक्स की पत्नी होगी नहीं होगी तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स समझ गया ना एक्स एक्स की पत्नी नहीं है इसलिए एक्स एक्स से रिलेटेड हुआ नहीं तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पत्नी नहीं होता समझ गया ना अब देखिए अब सिमेट्रिक रिलेशन में आएंगे तो सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लेते हैं ना तो परिभाषा से क्या होता है यदि ए बी से संबंधित हो ए इंगित करता है कि बी ए से भी संबंधित हो समझ गया ना ए बी से संबंधित हो बी ए से संबंधित हो उसे ही हम क्या कहते हैं कहते हैं ये समझ लो ये है ये क्या है बी है तो परिभाषा से एल एच एस पार्ट लेगा ना तुम एक्स रिलेटेड क्या होगा देखो यहाँ पर एक्स वाई जो लिखा हुआ इसका अर्थ क्या हो गया एक्स रिलेटेड वाई हुआ इसका अर्थ क्या हो गया एक्स रिलेटेड एक्स वाई से संबंधित है एक्स वाई से संबंधित है उसी प्रकार से एक्स रिलेटेड वाई है तो देखो संबंध किस प्रकार से लिखा गया एक्स वाई को एक्स अगर एक्स रिलेटेड वाई होगा देखो एक्स यहाँ पर एक्स आ गया ई वाई यहाँ पर वाई आ गया समझ रहे हैं ना एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा एक्स इज वाई ऑफ वाई समझ गया ना एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ हो गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई ये तो संबंध में ही दिया हुआ है आपके सवाल में ही अब देखो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं उल्टा के भी ना संभावना की तलाश करते हैं जैसे एक्स है एक्स वाई है अब क्या करोगे वाई एक्स उल्टा के ना देखेगा ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मान के चलो कि अब हम वाई को हम क्या करेंगे एक्स के स्थान पर लाएंगे यानी पहले लाएंगे एक्स को हम कहाँ ले जाएंगे वाई ले जाएंगे तो हम बोल सकते हैं जैसे हम यहाँ पर बोले थे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं अगर एक्स जो है वाई की क्या है पत्नी है पत्नी है क्या वाई एक्स की पत्नी होगा क्या होगा पति न होगा जी एक्स वाई की क्या है पत्नी है तो वाई एक्स की क्या होगा पत्नी होगा लेकिन उल्टाने के बाद पत्नी वाला ही ना रिलेशन होना चाहिए था रिलेशन बदल गया कि नहीं बदल गया जैसे मान के चलो एक्स वाई की पत्नी है उल्टा दिए तो फिर भी वाई एक्स की भी पत्नी हो जाती रिलेशन नहीं बदलता तब हो जाता तो सिमेट्रिक नहीं होता तो रिलेशन का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है ना उल्टाने के बाद यानी रिलेशन बदल जाता है पत्नी है तो पति वाला रिलेशन हो जाता है तो ये विरोध हो गया ना ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा नहीं होगा होगा सिमेट्रिक इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन उसके बाद देखो ट्रांजिटिव रिलेशन
तीसरा हम किस पर चर्चा करेंगे? ट्रांजिटिविटी। हम कितने एलिमेंट लेते हैं? तीन लेते हैं ना। इसका डेफिनेशन क्या है? ए बी से संबंधित हो, ए सी से संबंधित हो, समझ गए? ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो और ए सी से संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो ए बी, बी सी, ए संबंधित किससे हो गया? बी से। बी संबंधित किससे हो गया? सी से। तो यहाँ पर एक्स वाई के रूप में है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लेगा तीन एलिमेंट। एक्स रिलेटेड क्या करेगा? वाई। वाई रिलेटेड क्या करेगा? जेड। एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा? एक्स वाई की पत्नी है। एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा? एक्स वाई की पत्नी है। नहीं हो गया जी? जी सर। और वाई रिलेटेड जेड का क्या अर्थ? वाई जेड की पत्नी। देखो एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ होगा संबंधे में लिखा हुआ है ना जी, एक्स वाई की पत्नी है। उसी प्रकार से एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा? एक्स वाई की पत्नी है। और वाई रिलेटेड जेड का क्या अर्थ होगा? वाई जेड की पत्नी है। अच्छा आप बोलो, जब एक्स वाई की पत्नी है तो कौन मेल होगा, कौन फीमेल होगा? वाई मेल होगा, वाई फीमेल होगा, एक्स फीमेल होगा। तुम लोग ये नहीं एकदम पता कर, वाई मेल है, एक्स फीमेल है, एक्स फीमेल है, वाई मेल है। तो वाई क्या है? मेल है, मेल हुआ ना। उसके बाद एक्स क्या है? फीमेल है ना। अब देखो वाई रिलेटेड जेड, वाई रिलेटेड जेड, तो वाई जेड की क्या होगी? पत्नी होगी। यहाँ पर वाई क्या हो रहा है? यहाँ पर वाई क्या हो रहा है? मेल की फीमेल? मेल, मेल हो रहा है। कहाँ पे सर? यहाँ पर इस रिलेशन में मेल हो रहा है, फीमेल हो रहा है, फीमेल हो रहा है, फीमेल ना हो रहा है, हैं? यहाँ पर ईमेल है तो यहाँ पर फीमेल कैसे हो जाएगा? मान लो कि एक्स रिलेटेड क्या है? वाई है, एक्स वाई की पत्नी है, पत्नी है ना। और वाई रिलेटेड जेड का अर्थ क्या हो गया? वाई जेड की पत्नी है। तो यहाँ पर पति है, यहाँ पर क्या है? पति मतलब मेल, समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? पत्नी मतलब फीमेल। तो जो आदमी मेल है वो फीमेल होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, समझ गया ना। सिंपल शब्द में ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नहीं है।